Welcome to SG Inception, your aquarium channel, presenting before you the giant silver Arowana fish tank. So before starting the video, I want to wish you all a very happy new year. May this year be filled with love, hope, light and happiness into your lives. तो ये रहा हमारे फिश टैंक रूम का सबसे बड़ा फिश टैंक जो है 8 फीट का, जिसमें है हमारे फिश टैंक रूम के एट प्रेजेंट सबसे पुराने सबसे ओल्डेस्ट मेंबर्स द जायंट सिल्वर अरवानास। सो कुछ लोगों ने मुझे इनकी साइज और इनकी एज पूछी थी, तो इनकी साइज़ है लगभग 2 फीट और इनकी एज है 4 ईयर्स। सो एक हफ्ते पहले इसमें से एक सिल्वर अरवाना ने कई सारे एग्स ले किए थे, तो वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता मेरी ज़िंदगी में। एंड वो मेरे लिए एक अचीवमेंट से कम नहीं था, बिकॉज आप सोच सकते हो जो बंदा एक टाइम पर एक कॉमन गोल्डफिश भी रख नहीं पाता था, उसके फिश टैंक में सिल्वर अरवानास ने एग्स ले किए हैं। सो वो मेरे लिए मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डे था। एंड ट्रस्ट मी, ऑनेस्टली फ्रैंकली, आज तक मैंने जितने भी सेलर्स के साथ काम किया है, जितने सेलर्स के वीडियोस बनाए हैं या जितने भी सेलर्स को मैं जानता हूँ, आज तक अभी तक मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था कि जितने भी आज तक न जाने उन्होंने सिल्वर अरवाना सेल किए होंगे या एशियन अरवाना सेल किए होंगे या अरवाना फिश टैंक बना के दी होगी घर पर, तो आज तक मैंने ये कभी नहीं सुना था या उनको कभी ये बताते नहीं सुना था कि किसी उनके क्लाइंट के घर पे अरवाना ने एग्स दिए हैं। सो एक काइंड ऑफ इम्पॉसिबल था फिश टैंक में एग्स ले करना, या रेयर मोमेंट था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया में सिर्फ मेरे फिश टैंक में ऐसा हुआ होगा, शायद किसी और के भी घर में हुआ होगा, या वो लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए होंगे या शायद ऑनलाइन पोस्ट नहीं कर पाए होंगे। बट दैट मोमेंट, वो जो पल था, दैट वॉज सरियल एंड फॉर अ मोमेंट आई कुडंट बिलीव इट। एंड काफ़ी अलग ही एक्साइटमेंट थी, काफ़ी अलग ही कुछ फीलिंग थी वो, तो वो दिन वो एहसास काफ़ी स्पेशल था। सो बैक टू दिस वीडियोज टॉपिक, तो वो वीडियो जो मैंने बनाया था, उस वीडियो पर आप के बहुत प्यारे प्यारे पॉजिटिव अप्रिशिएटिंग एनकरेजिंग और मोटिवेटिंग कमेंट्स आए थे, जो पढ़कर मुझे बेहद ज़्यादा खुशी हुई। तो तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। आप में से कई सारे लोगों ने काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स किए थे, जो पढ़कर वाकई में मेरा दिन और भी अच्छा बन गया। एंड आई न्यू इट सो वेल कि ये न्यूज़ जब मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तब वाकई में आप लोग भी बहुत खुश होंगे। सो उस वीडियो में मैंने एंड में क्लियर किया था कि बाद में क्या हुआ, बट फिर भी कई सारे लोगों ने पूछा था कि एग्स हैच हुए या नहीं, बेबीज आए या नहीं, तो मैंने सोचा कि एक अपडेट वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को पता चले। सो जब एक फीमेल अरवाना एग्स ले करती है, उसके बाद में जो मेल अरवाना होता है वो सारे एग्स को स्कूप करता है, अपने माउथ में कैरी करता है लगभग 1 महीने के लिए। 1 महीने के बाद वो एग्स से बेबीज बाहर आते हैं, यानी एग्स हैच होते हैं, और 1 महीने तक वो बेबीज योक सैक से अटैच्ड होते हैं। 1 महीने बाद वो योक सैक जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, सो वो अच्छे तरह से स्विम कर पाते हैं। तो अरवाना फार्म्स में अरवाना ब्रीडर्स इस प्रोसेस को जल्द से जल्द होने के लिए मेल अरवाना के माउथ से उन सारे एग्स को फोर्सफुली रिमूव करते हैं, ताकि जल्द से जल्द वो बेबीज़ को पा सके और उन्हें सेल कर सके। तो उन्हें अरवाना के माउथ से निकाल के वो इंक्यूबेटर में डाल देते हैं, ताकि जल्द से जल्द एग्स हैच हो जाए। तो कमिंग टू द पॉइंट, अनफॉर्चुनेटली हमारे फिश टैंक में वो प्रोसेस नहीं हो पाया जो एग्स को माउथ में स्कूप करके कैरी करना होता है, वो नहीं हो पाया। सो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, बट I am already glad, grateful, lucky and blessed कि हमारे फिश टैंक में ये ऐसा rare kind of moment हो पाया, because India में मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने अभी तक कभी सुना ही नहीं था कि अरवाना ने eggs ले किए है। एंड हुआ होगा कुछ लोगों के घर पर, बट वो भी बहुत कम। तो ऑलरेडी फॉरेन के मैंने वीडियोज़ देखे थे कि उनके फिश टैंक में हुए हैं, बट शायद वो ब्रीडर्स के भी फिश टैंक होते होंगे जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है ब्रीडिंग के बारे में, बट इंडिया में तो
हमारे इंडिया में तो एरवाना फार्म्स भी नहीं है, तो फिश टैंक में तो एग्स ले करना ये बड़ा ही डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल काइंड ऑफ है। सो बस इतना ही शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, बस आपको यही अपडेट देना था। और 2023 का ये सबसे पहला वीडियो है हमारे चैनल पर। इस साल मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा हमारा फिश टैंक रूम का वीडियो, जिसमें आप कुछ नए एक्सोटिक फिशेस देखोगे, कुछ नए सेटअप्स देखोगे, एंड वाकई में वो देखकर आपको बड़ा मज़ा आएगा। अगेन कहना चाहूँगा कि फिश टैंक रूम के वीडियोस मैं जल्द से जल्द नहीं बनाता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हर एक नए पार्ट में आप कुछ नया देख सको, आप कुछ नए वराइटीज़ देख सको और कुछ नए सेटअप्स देख सको। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। मुझे ज़रूर बताइए कि आपको हमारे इस फिश टैंक में ये जो रेयर सा मोमेंट हुआ वो कैसा लगा, एंड ऑलरेडी जिन्होंने भी कमेंट किए अच्छे, उनको वंस अगेन थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड ऐसे ही मैं आशा करता हूँ कि आप तक इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुँचा सकूँ। सो आई विल सी यू अगेन इन अनदर अपकमिंग वीडियो कमिंग सून एज जे इंसेप्शंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव वंडरफुल डे अहेड।